नमस्कार, आमी अनुभव, आमार संगे प्रेरणा आछे। प्रेरणा ठीक बोला मैंने? बहुत सही बोला आपने। हम लोग आज शिलीगुड़ी का फूड टूर करने जा रहे हैं। चलूं दादा। अच्छा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ का एकदम पॉपुलर स्ट्रीट फूड, जो मतलब एवरीवन लव्स इट एज यू कैन सी फ्रॉम द क्राउड। तो हम खाने जा रहे हैं पूरी सब्जी, मॉर्निंग का फर्स्ट स्टॉपेज फॉर द डे। आप सुबह सुबह आते हैं? बारह बजे तक। और डेली बनाते हो ना आप खाया यहाँ पर? बहुत ये तो रेगुलर है। तो ये मैदा का बनाते हैं? मैदा का काफी बड़ा बड़ा लुची बनाते हैं। लुची है कि पूरी है? पूरी। फटाफट से चल रहा है। हाँ, मतलब आओ चले जाओ बस। वो कोई नहीं है कि पूरी गोल होना चाहिए वैसा नहीं, होना चाहिए। बस बेला और अपना फ्राई करता हूँ। फटाफट से बेल दो और तलो। और ये मैदे का पूरी है, ऊपर में आलू और मटर का सब्जी है, और जो आलू की सब्जी बनाई गई है वो छिलके के साथ बनाई गई है। ऊपर से बारिश का पानी भी गिर रहा है आपके। और पूरी भी बहुत ही गर्म है। हाँ। अभी फ्राई करके दिया। हाँ। नाइस, रियली गुड ना। अच्छा, ये सब्जी अच्छा, इसमें स्वीटनेस है, हल्का सा स्वीटनेस बंगाली टाइप का। पूरा एक लहसुन का पूरा साबुत पीस आया। ओ, फुल पीस। हाँ, और यहाँ भी कोई प्लेट का सिस्टम नहीं है, आपको न्यूज़पेपर में ही खाना पड़ेगा। अच्छा लगा आपको? हाँ, अरे अच्छा लगा, खा के अच्छा लगा कि आप इतना मुस्कुरा के खिला रहे हैं तो और भी अच्छा लगा है। सब लोग कितना शौक से खा रहा है देखिए। दादा बोल रहा है एक पीस पूरी खा लो, वो सब्जी अलग है, अलग सब्जी, सूखा सब्जी के साथ। चलिए वो भी खा लेते हैं। अच्छा से खस्ता कर दो, खस्ता। और अच्छा, और नहीं होगा? मैंने और अच्छे सिखवाया है इसको, मैंने कहा करारा कर दो। ओ, इसीलिए आपका थोड़ा ज्यादा। वाओ, बहुत ही उम्दा है। मतलब वो थोड़ा सा पतला कर देते हैं, तो इसे आप बोल सकते हैं आपको गाढ़ा वाला चाहिए कि पतला वाला चाहिए। तो यहाँ पे जो लोग खा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सभी वर्ग के लोग हैं। Exactly, it's not from I think labor class to you can see people coming in big cars also. They are coming and eating and just going. I think that's the beauty of street food. Street food. Yeah? Everyone like if it is good and affordable. Affordable. Everybody will come and like it, and it's very very famous also. You can see from the crowd. Yeah. And he is very humble. Yes. अच्छा शिव कुमार जी, धन्यवाद, नमस्ते। अच्छा रहो। अरे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप इतना प्यार से खिलाया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, फिर आइएगा। जी जी बिल्कुल। थैंक यू दादा, बहुत टेस्टी लगा। मैंने आपको तो हम छोटा से हम देखा है, हमको याद नहीं है। बहुत बार आया है आपका दुकान पे, खाया भी है। छोटा से देखा है, मम्मी के साथ भी आया। मम्मी यहाँ पर है? हाँ हाँ, यही पर तो है, रोज आना जाना करता है इसीलिए। मम्मी तो बताया है कि यहाँ पे खाने के लिए, तभी आया है। अच्छा दादा, अच्छा दादा, ठीक है, अच्छा रहिएगा। हाँ आप भी। आप लोग कितने दिन से इस काम में? हम तो 70 साल हो गए। 70 साल से? तो आप क्या ये बनाते हैं, ढोल तबला? अरे वाह, हारमोनियम भी ना, गिटार, गिटार। तो जो खरीदता है कौन लोग खरीदता है? बंगाली लोग लेता है, नेपाली लोग भी लेता है। तो आपको दोनों भाषा आता है? बंगाली, थोड़ा थोड़ा आता है।
बंगाली लोग संगीत में हाँ। संगीत प्रेमी होता है, है? नेपाली लोग सब प्रोग्राम करता है, रिकॉर्डिंग करता है। ये क्या चीज है? नीम पत्ता। नीम पत्ता, नीम पत्ता बैगन का है। ये तो वो हो गया, वो केले का बनाना फ्लावर, मोचा 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 बोलते हैं ना। हाँ, गोंदोरा लींबू। कटबेल, कटबेल बोलता है। कटबेल क्या बनाता है? इसका अचार होता है। वो तो मुझे भी नहीं पता। कटबेल, अच्छा मुझे पता नहीं था। ये कच्चा हल्दी है। केला, और ये केला गाछ के अंदर वाला, इसको क्या बोलता है? अरे औटेंगा, एसमीज, एसमीज में खाता है आसामी लोग, आसाम में खाता है ये। ममता दीदी जीतने का पूरा आसार है ना? कौन जीतेगा? तृणमूल की बीजेपी है? एक तो जीतेगा ही, सही बोल रहे हैं। इलेक्शन हो रहा है, अगर खड़ा हुआ है इसमें एक तो जीतेगा ही। नाशपति, नाक है ना, मिक्सचर बिटवीन पेयर एंड एप्पल। हाँ, इसको नाक बोलते हैं। नाक, अनार, मौसमी, ये क्या बोलता है इसको? और ये तो पालक हो गया, और सरसों, मूली, और ये तो वो हो गया फिडल हेड फंस, लिंगड़ू, लिंगड़ू बाहर वाला, लिंगड़ू जो सिक्किम वाला है, उसका स्टेम बहुत मोटा मोटा रहता है, ये भी बहुत मोटा, जो प्लेन्स का है बहुत पतला है, दैट इज द डिफरेंस थोड़ा सा, बट दिस इज आल्सो फन ओनली। चलिए, मतलब कई तरह के साग यहाँ पे मिल रहे हैं। यस यस, दिस इज आल्सो वेरी टेस्टी, मूली वाला साग खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मेरे को तो लाल साग बहुत पसंद है। आई प्रीफर द ग्रीन वन, जो लाल जैसे सेम टेस्ट लेकिन ग्रीन रहेगा, वो बहुत टेस्टी है। सो अनुभव जी, टुडे वी आर एट कैलकटा स्वीट्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्वीट शॉप्स इन सिलीगुड़ी एंड दिस हैज़ बीन रनिंग फॉर ऑलमोस्ट 35 ईयर्स एंड वील ट्राई सम राधा बल्लभी एंड सम लोकल स्वीट्स हियर, सो लेट्स गो इनसाइड एंड ट्राई सम मिष्टी। एक प्लेट लगा दीजिए राधा बल्लभी। राधा बल्लभी विद सब्जी। जब से मैं बचपन से पापा के साथ आती थी शॉपिंग सुबह को। अंदर में ये दाल स्टफ किया गया है, इसको ब्यूली दाल बोलते हैं, उड़द दाल, और ये आलू दम है, इसके साथ में इसको लगाया। राधा बल्लभी, मतलब इसमें हल्का स्वीटनेस है। हाँ, स्वीटनेस तो आपको हर जगह मिलेगा, बंगाली फूड में, लूची में भी और सब्जी में भी है। और ये जो आलू की सब्जी है, ये पंचफोरन डाल के बनाई गई है। पंचफोरन, जिंजर का भी टेस्ट आ रहा है अलग से, मीठा तो है ये। ये बहुत सही है, जो लोग सब्जी की खरीदारी करने आते हैं वो यहाँ रुक के अपना नाश्ता कर लेते हैं। कर लो, मिष्टी भी खा लो, मतलब चले जाओ। बहुत स्वादिष्ट, और यहाँ भी जो आलू दम बनाया है, ये भी आलू छिलके के साथ बनाया है ना, मतलब फ्लेवर आता ही छिलके में, जहाँ पर छिलका निकाल दिया आलू का फ्लेवर ख़त्म। एक था मिष्टी दही और एक था छेना जलेबी। ये आ गया हमारा मिष्टी दही और छेना जलेबी। अच्छा सौंधापन है, और जो कभी दूध आप उबालते हैं तो नीचे लग जाता है। हाँ हाँ, दम नीचे में। हाँ, उसका फ्लेवर भी है। हाँ, वही सही। क्रीम थिक वाला। एंड स्वीट आल्सो, इट्स नॉट दैट ओवरपावरिंग दिस स्वीट, समटाइम्स व्हेन यू फाइंड इट इट्स जस्ट मतलब ओके, मतलब ऊपर में थोड़ा मलाई का परत भी है। हाँ, वो लेयर बैठा हुआ है, मतलब मलाई से ना छेने वाला टेक्सचर है, और दही भी दानेदार है, मतलब दाना स्मूथ नहीं है, दानेदार है, मतलब यू कैन फील द ग्रैनुलर ग्रैनुलेटेड वाला। इसका टेक्सचर गुलाब जामुन से मिलता जुलता है क्या? ये छाना का ही होता है, छेना का, और देन इट्स फ्राइड, डीप फ्राइड,
Wow. And obviously dipped in sugar syrup. Very soft. Yes. मालभोग केला है हाँ, लेकिन वो टाइट में खाने नहीं सके, ये वाला है ना, ये सब खाने सके। ये मीठा है, चीनी केला, चीनी चंपा, सही अच्छा लगता है खाने में, मीठा हो। कैसे देते हैं ये? 40 रुपया दर्जन है, हम दे देंगे बढ़िया। हमको 6 दे दीजिए, 6 खाइएगा, 6 हाँ खा लेंगे, अभी ये खा लेंगे। आप अच्छे लग गए तो आपसे रुक गए लेने। आप कितना साल से ये कारोबार में है? कितना हुआ? 50 का, 20 रुपया हुआ, 20 रुपए। 50 साल से यही काम है आपका? हाँ। केला ही बेच रहे हैं आप? भी बिहार के लग रहे हैं, बिहार के हैं, कहाँ? सिवान। धन्यवाद। सिवान के हैं? चंपा, सिवान। तो वहाँ तो हाजीपुर में केला बहुत बढ़िया मिलता है, चिनिया केला है, लेकिन तो सब यहीं से जाता है। सब यहीं से? सब यहीं से। यहाँ से हाजीपुर जाता है? आसाम से, नौगांव से जाता है उधर में, सपरा सिवान केला। हाँ जी। तो आप 50 साल से ही काम में हैं, तो पूरे साल भर अलग अलग वैरायटी का केला आता होगा? ये दो ही चलता है? अलग अलग वैरायटी का आता है। हाँ। जैसे और ये आएगा, एक माल भोग है ना, बड़का बड़का आएगा फागुन महीने, फागुन महीने से लेके भादो तक। और ठंडा में तो इसका कम हो जाता है, जहागी चलता है सिंगापुरी, जो कि वो बेकार लगता है, हरा वाला जो होता है ना, मज़ा खाने में ही आता है, चीनी चंपा और मालभोग सब मीठा लगता है। चलिए मंगल जी, आपका दिन मंगल हो। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग हैं नेताजी कैबिन, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एस्टैब्लिश टी पॉइंट्स, और जैसे कि चाय नाश्ता मिलता है। कोई कनेक्शन तो नहीं है नेताजी का इस? नेताजी दैट वी हैव टू आस्क द ओनर कि नाम क्यों है नेताजी कैबिन, लेकिन इट्स अ वेरी पॉपुलर मतलब प्लेस इन टर्म्स ऑफ सिलीगुड़ी का कलिनरी लैंडस्केप, सो दिस वुड बी अ डेफिनेट मस्ट विजिट। क्या क्या है सर? बटर ब्रेड हो गया, हाफ बॉयल हो गया, ग्रीन फुल बॉयल, ग्रीन टोस्ट, कॉम्ब्रेड, कॉफी चाय, दो चाय और क्या बताया, हाफ बॉइल्ड, एक हाफ बॉइल्ड, एक पीस और वो बटर टोस्ट चीनी वाला, एक जगह, एक जगह बटर टोस्ट। ये है हाफ बॉइल्ड एग, इसको काटने का मन नहीं कर रहा। यहाँ से योग जाएगा। हाँ, परफेक्शन। हालांकि मैं उतना शौकीन नहीं हूँ योग का, मतलब आई लाइक एग वाइट। ओके, बट यू कैन स्टिल ट्राई बिकॉज the runny yolk and then the soft white go outside there. Is it good? Yeah, amazing. Bahut badhiya. Most people come for the half boiled egg only here. Maximum I've seen people today. I think jinko yolk khana pasand hai unko to bahut pasand hai, unko acha lagega khane mein. Khair, aur ye hai hamara butter toast jiske upar mein khub sari chini hai aur hamari Darjeeling chai. Cheers. कड़क है, अच्छा फ्लेवर आया। यहाँ पे अभी तक हमने जहाँ भी चाय पी है बहुत ही इंटेंस फ्लेवर है, स्ट्रॉन्ग है, जैसे बोलते हैं पैलेट में लग रहा है। मतलब लगता है वही है जो आप बता रहे थे, CTC और लीफ टी दोनों मिक्स करके बनाते हैं। इसमें भी आई थिंक इट्स लाइक दैट, या बिकॉज़ द फ्लेवर इज आल्सो देयर बट लेकिन लंग भी कड़क है। इफ यू आर हैविंग अ वेरी टायरिंग डे और something like that, if being in lethargic after shopping, probably if you have this then you feel more energized. Sugar is given very generously, matlab har kuch meetha lagta hai, acha ek crunchy texture aata hai, niche se toast kiya hua, upar se butter aur chini diya hua, chhota sa cabin hai,
यहाँ पे लोग अपना अड्डा के लिए आते हैं, चाय अड्डा के लिए। अब ये बहुत सही लगता है मुझे, चेयर छोटे टेबल्स, कोई मतलब ताम झाम नहीं। And also they have not renovated this place. It's like similar, जैसा रखा हुआ है पहले से। चाय इज सुपर स्ट्रॉन्ग भाई, भयंकर कड़क है, मतलब आई फाइंड इट मोर कड़क देन असम टी। चाय बोलना पड़ता है माइल्ड के लिए, बहुत कड़क चाय है। तो दार्जिलिंग में पता ना इतना कड़क होता है। वी वर टॉकिंग अबाउट, कल बताया था बिटरनेस। यस यस, वो जो मिलता है इस एक्चुअली दिस वन बिटर वो वही। आप यू ट्राई इट द वे वी ट्राइड इट यस्टरडे, देन यू विल फील इट। लेट्स डू इट वैसा करके। इससे तो हाँ, यहाँ पीछे में लगता है पूरा एक लेयर टंग पे। बहुत कड़क चाय है, দু চার বার খাবো তো ফির ঠিক খাবো, আচ্ছা লাগছে, দু চার বার খা লেঙ্গে ফির আচ্ছা লাগেগা। হ্যাঁ না, ইয়ে বলে না, প্যালেট ইউজ টু হো জায়েগা। ঠিক আছে, হামকো অর এসা চায় আপ খিলানা। ওকে, एक तो चाय पीता नहीं है, खाता है, दिक्कत खाता तो है। बंगाली लोग सब कुछ खाते हैं, चाय खाता खाबो। लेकिन असल मजा चाय पीने का ऐसे ही है, ऐसे ऐसा करके लेना पड़ेगा। दादा एक दिन में आप कितना कप चाय पीता है? दस कप पूरी बाबा तुम्हें दस कप चाय खाता है ये वाला चांस मिले तो हम लोग भी खाता है, विंटर में तो और भी ज्यादा पीता है, जितना बार कोई चाय बनाएगा हम लोग पी लेगा। हम दिन में दो से तीन कप पीता है। नींद आता है रात में ठीक से? हाँ। इतना चला जाता होगा कैफीन। वो एनर्जी आता है, माने शक्ति आती है। दादा आपको कितना साल हो गया इस केबिन में काम करते हुए? 10 वर्ष हो गया। 10 वर्ष आप हो गए छे। तुम सिलीगुड़ी से छे? सिलीगुड़ी थी के आपका बाड़ी था? कोलकाता। कोलकाता, अच्छा कोलकाता है। अरे दादा बड़ जा गई। आपसे एक केबिन के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था, कब कैसे कहाँ सब थोड़ा सा। बात क्या है, देखिए केबिन जो अभी हुआ ना, मोटा मोटी 75 से 80 ईयर्स अभी हो रहा है इसका, ठीक है। तो पहले जो स्टार्ट किया उनसे मेरा पिताजी ये केबिन परचेस किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास ही आए केबिन। मेरा पिताजी 5 साल मोटामोटी 6 साल पहले गुजर गया। एक्चुअली इसको टी जो प्रिपरेशन, टोस्ट का जो प्रिपरेशन मेरा पिताजी का मैंने अपना कॉन्सेप्ट में इसको बनाया। पहले भी टोस्ट चाय का था लेकिन इतना अच्छा नहीं। हाँ, तो उसके बाद उनका मेहनत सबसे इसमें मैंने बड़ा काम किया। तो केबिन, केबिन का मतलब क्या होता है? मतलब केबिन का मतलब देखिए, वो घुटने के लिए जो अलग अलग जो होता है ना, जैसा कूप जो होता है, कंपार्टमेंट ऐसे ही सिस्टम था। अभी ओपन हो गया तो वो कंपार्टमेंट जाता है, सिस्टम इसीलिए केबिन हो गया। तो मतलब कंपार्टमेंट में केबिन बोले तो केबिन में फैमिली पहले, हाँ पहले मिठाई दुकान और लोग आके बैठ के वहाँ पे अलग से खा सकता था, उसका मतलब ये था। इसको कोई पॉलिटिकल मीटिंग करना है तो आके केबिन में बैठ के बातचीत किया, तो मतलब एक स्पेस था जहाँ पे लोग अपना अलग अलग स्पेस तसल्ली से बैठ के खाना खाया, बातचीत किया, चाय पिया, तो वो चीज़ था केबिन वही था। लेकिन अब बदल गया है स्वरूप, अब ओपन हो गया हर चीज़। नेताजी जो है उनका जो फ्रीडम फाइटर था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसका नाम मैंने
इसमें क्या है? दूध है मिल्क। अच्छा, मैं अलग कलर है इसका? अलग कलर है, इसको बहुत टाइम से जाल किया तो ऐसे ही होता है, इसको खाने में मिलता है, फिर कॉफी इसी दूध में। अच्छा, खाने से सिर्फ थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं? दूध उबला हुआ है ना ये तो? हाँ, उबला हुआ। ए, काप देना है। कलर देखिए एकदम ब्राउन कलर आया हुआ है इसका। हमको दूध पसंद है। ये गाय का दूध है क्या? गाय का दूध, हाँ। खुद खटा है ना अपना, माटी गाढ़ा में है, बहुत बढ़िया। अच्छा से खुलाया हुआ है, उबाला हुआ है, सुबह दर दामों दीबे, बहुत बढ़िया। जो चाय पत्ता देता है वो तो दार्जिलिंग पत्ता है, एक पत्ता एक कप में एक ही दफे यूज करता है, दूसरा दफा उसको नहीं होता, फेंक देता। अच्छा, एक बार में एक ही बार? आप देखिए। हाँ देखा, एक कप में एक दफे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, ये हाफ बॉईल कैसे बनाते हैं इतना अच्छा? टाइमिंग्स के ऊपर में होता है, कितना देर बॉईल करना चाहिए हाफ बॉईल बनाने के लिए? 5 से 7 मिनट में हो जाता है। 5 मिनट में पूरा बॉईल हो जाता है? नहीं, पूरा बॉईल नहीं होगा, इसमें थोड़ा सिस्टम है ना, वही कहना है, बड़ा क्या टेक्निक है। चलिए, धन्यवाद रविंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपके आके। और चाय, इतनी कड़क चाय मैंने कहीं नहीं पी थी, बिल्कुल मैं कह भी रहा था इस कड़क चाय के साथ थोड़ी राजनीतिक चर्चा हो तो और मज़ा आ जाता। हम लोग के पास पॉलिटिकल लीडर सब ही आता है, सबका अपना है। चलिए, धन्यवाद। लॉटरी हम लोग ने कल खरीदा था, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आया इसका। दुकान ही बंद है इनका, तो कहीं और से चेक करवा लेते हैं। अच्छा, ये चेक कर देगा? हाँ हाँ। दादा, कल का चेक करवाना है ये डियर 1 करोड़। अरे कैसे चेक करते हैं देखना, आप हेल्प करोगे मेरे को? एक तारीख ठीक है, 8 बजे खाला, 8 बजे डबल थ्री नहीं है जा, साढ़े 400 में भी नहीं है, 250 में भी नहीं है, देखते नहीं है हमें। किस्मत खराब दादा, किस्मत ही खराब है, कभी नहीं जीतता है। अब कॉमन है, हर जगह मिलता है, कहीं पे इसको ई रिक्शा बोलते हैं, कहीं पे इसको बैटरी रिक्शा बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग टोटो बोलते हैं। टोटो, हाँ, इट्स वेरी कन्वीनिएंट, मार्केट का अंदर भी मिल जाता है, स्ट्रीट भी मिल जाता है, इसलिए बोलते हैं। और अच्छा है, इको फ्रेंडली, नो पॉल्यूशन, स्पीड लिमिट 20 है। टोटो, धन्यवाद दादा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। नमस्ते सर। आ जाओ सर। आप शुरू से सिलीगुड़ी में रहे हैं? हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं, 1964 से हमारे दादाजी पिताजी, उसके बाद हम, हमारा बेटा पोता ट्रांसफर यहीं पर, मतलब 5 पुश्त हो गया, फिफ्थ जनरेशन। यस, हैं, फाइव जनरेशन। तो आप बंगाली भी बोल लेते हैं, नेपाली भी बोल लेते हैं, पंजाबी भी बोल लेते हैं, मारवाड़ी बोल लेते हैं, बिहारी बोल लेते हैं, सब बोल लेते हैं। Which means his customer base itself also from all the communities. हमें जहाँ रहना है वहाँ की भाषा अगर बोलेंगे तो एक अलग से इम्प्रेशन, प्रेम, इसलिए नेपाली को बोल के पैदा नहीं है, आप बैठी हुई है नेपाली शादी किए हैं, चाचा ने किए तो उनको जात पात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अंकल लव मैरिज, एंड इट वाज अ लव मैरिज, लव मैरिज, वेरी नाइस। आप पीछे कहाँ के रहने वाले हैं? आप 64 से पहले कहाँ रहते थे? पीछे दादा की और पिताजी यहाँ आए थे, कुछ देर में राजा का घोड़ा का मालिश करते थे, राजा थे वहाँ, घोड़ा था। उसके बाद में काटलगुड़ी बगान में नौकरी किया पिताजी ने, चाय बगान में नाइट गार्ड थे, सुबह में वो ट्रेडिंग का काम करते थे। उसके बाद में हमारे जितने मामा हैं सब यहीं पढ़ते, पहले से
आके देखो पाकिस्तान एक बार वहाँ से मार्ग करने के बाद में फिर जलपाई गोली में वेरी फाइटर लाइफ माई फादर जलपाई गोली में गेट कीपर थे रूपाते से मॉल बंद हो गया अभी अच्छा। वहाँ मॉल बंद गया हुआ है वहाँ वो टिकट मिलने के आदमी लोग बिठाते हैं तो जन्म हमारा यहीं का है आई एम नॉट नाउ 75 years old अभी हम जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है सिलीगुड़ी की जैसे बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता के बाद सिलीगुड़ी ये एक इंटरनेशनल जगह है यहाँ पे सब आदमी ट्रांसफर नहीं होने देते हैं सब बात है सबके आमदनी ज़्यादा है यहाँ पे बॉर्डर एरिया है और फिर मिक्स कम्युनिटी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे दंगे फसाद आफ्टर कांग्रेस नहीं CPM भी ठीक था TMC भी ठीक था अब BJP है वो भी यहाँ पे उत्तर बंगाल में BJP की थी और उधर में हुआ है तो चल रहा है ठीक चल रहा है कोई ऐसी बात नहीं नो प्रॉब्लम पहले 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद हम लोग भाग जाते थे अभी रात भर दिन भर रात में तो यहाँ पर समझे जाए बॉम्बे दिल्ली का कहता है रात में दिन हो जाता है जैसे यहाँ भी हुआ नो रॉन्ग रात को ये होटल 2-3 बजे बंद करके हम लोग जाते हैं ये जितना यहाँ सिंगिंग बार डांसिंग बार सब है मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा है ख़राब नहीं है क्योंकि ये बोलते हैं ना समूचे बॉर्डर को मिलाता है नेपाल भूटान सब यहाँ पर बांग्लादेश बगल बगल में यहाँ पे रोज आते जाते हैं क्या बोलते हैं आप चिकन नेक चिकन नेक कॉरिडोर बिकॉज चिकन नेक इज वेरी थिन एंड टाइनी सो वेरी थिन स्लीवर सो जस्ट लाइक दैट फ्रॉम आइदर साइड इफ यू गो 1 hour towards the east or 1 hour towards the north or west any side you'll be touching an international border you'll be in Nepal or even Bangladesh you can go to Bhutan also exactly. and northeast part obviously which is the border ये international market है बॉम्बे है ना कलकत्ता है ना जितनी population नहीं उससे ज़्यादा आदमी up and down होगा दाल मखनी है जिसमें उड़द की दाल और राजमा मखाने पनीर क्रीम चिकन मसाला चिकन टिक्का मसाला चिकन टिक्का मसाला और साथ में तंदूरी रोटी बहुत ही बढ़िया दाल बिल्कुल एकदम गाढ़ी और क्रीमी है और मसालेदार मतलब ये मिक्स है बंगाली तड़का और दाल मखनी का है इट्स वेरी थिक एंड क्रीमी अभी ये ट्राई करते हैं चिकन टिक्का मसाला बोनलेस बहुत बढ़िया बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी चिकन के पीसेस हैं थिक टमाटर की ग्रेवी में कसूरी मेथी का बहुत अच्छा जायका है ये है इसकी ग्रेवी जो है इसको बोलते हैं गार्लिक सॉस इसके में कम से कम 5 किलो अदरक 5 किलो लहसुन इसके उसके बाद में फिर सॉस और स्पाइसी भी है हल्का तीखा भी है क्योंकि ये चिकन टिक्का मसाला बोलते हैं तो इसको पहले चिकन को बारबेक्यू करते हैं टिक्का बनाते हैं तंदूर में पकाते हैं उसके बाद फिर ग्रेवी में मतलब ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी अंकल है इसलिए हम आपसे आंखें नहीं लगा रहे हैं क्योंकि बहुत कहाँ बहुत पहले पिक्चर देखी थी शशि कपूर की और नंदा की परदेशियों से आंखें ना मिलागा आप परदेशी हाथ नहीं लग जाए क्यों याद करते रहेंगे आपको अरे नहीं सुनना मेरा अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा हमें भी बहुत अच्छा लगा ये टुडे Yesterday, today, tomorrow. आज कल 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 आज और कल सही ये आपने सही बोला Yesterday, today, tomorrow. कल आज कल हाँ आई आई
चलिए बाहर में आके सब ब्रेक मिले घर जैसा बढ़िया घर जैसा खाना रुको रुको अंकल चल थैंक यू थैंक खीर चौमचौम तिरंगा चौमचौम बेक्ड रसगुल्ला और काजू बर्फी ड्राई फ्रूट्स वाला काजू ड्राई फ्रूट ये हो गया आपका रसमलाई हाँ। ये केसर केसर रसमलाई रसमलाई खीर दोई तो खीर दोई कैसा कैसे क्या होता है ये खीर दोई डिफरेंस क्या है नॉर्मल दोई नॉर्मल दोई और खीर दोई में नॉर्मल दोई क्या होता है दोई जो है वो थोड़ा जाल दे के उसमें थोड़ा खट्टा दे के पोसे से और पोसे से बनता है और खीर दोई है पूरा जाला करके खीर बना के दोई खीर बना के दही बनाता है एकदम जब पूरा ड्राई हो गया उसका बाद ही दही में जो जो प्रोसेस है उसमें इसमें वही प्रोसेस है पूरा खीर बना के इसलिए खीर टेस्ट है तो मीठा मीठा है मीठा है पहले तो ये ट्राई करो दो ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा दही है बहुत डिफरेंट It's like more like dessert, I guess. Wow. मैं लग रहा रबड़ी खा रहे हैं बिल्कुल थिक दानेदार बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी है खासकर मेरे को तो नीचे वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है दही वाला अभी ट्राई करते हैं ये बेक्ड रसगुल्ला है तंदूरी रसगुल्ला तो इसको रसगुल्ला बना के ऊपर रबड़ी लगाते हैं मलाई लगाते हैं उसका बाद बेक कर देते हैं वाह बहुत बढ़िया ज़्यादा मीठा नहीं है ये ठीक है ना ज़्यादा मीठा नहीं ये भी बिल्कुल दानेदार हाँ सॉफ्ट वाओ ये केसर रसमलाई आपके दुकान को कितना साल हो गया 31 इयर्स तो अब तो आपके पास बहुत सारा आइटम है जो नॉर्मल कलकत्ता का नहीं है जैसे जोधपुरी लड्डू मथुरा पेड़ा हम लोग को बहुत किस्म का मिठाई बना रहे हैं अभी भी तो 60-70 रुपये फिर भी अभी बिजनेस नहीं है जब बिजनेस आएगा ये पूजा आ रहा है हाँ। तो 150 किस्म का आएगा और बनाते हैं फिर बहुत बनाएगा और दूध कहाँ से आता है आप लोग का दूध मेरा तो असली जगह जो है नेपाल बंद हो गया कोरोना के चक्कर में 2 साल से बंद अभी आ रहा है नक्सलवाड़ी अभी आ रहा है काजोल डोबा पहाड़ से और लगभग 500 किलो दूध आता है रोज फ्रेश बनता है मिठाई रोज रोज रेगुलर आपका कहाँ पे वर्कशॉप कहाँ पे कहाँ बनता है मिठाई बनता है मेरा फैक्ट्री है तो वहीं से बन के यहाँ आता है वहाँ से बन के यहाँ आता है साथ में चाट भी है ढोकला भी है इमरती पूरी सब्जी भी मिलता है सब्जी तो मेरा फेमस फेमस सारा सिलीगुड़ी का आदमी खाने आता है मेरे को तो बेक रसगुल्ला बहुत अच्छा लगा तो प्रेरणा हमारा काफ़ी अच्छा ब्रंच टूर रहा हमने शुरुआत की थी बिल्कुल लोकल ब्रेकफास्ट से पूरी सब्जी से फूड से लेकर जो लोकल मतलब एवरीडे आदमी भी जाता है वैसा टाइप का सो एंडिंग इट ऑन अ स्वीट नोट आई थिंक चलिए थैंक यू लेकिन हमारा फूड टूर अभी एंड नहीं हुआ है अभी और भी बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं एक्सप्लोर करने के लिए सो वॉच आउट